अब पता है कि नौता नहीं आया, लेकिन फिर भी कहेगा, फिर भी कहेगा। तो देवता पूछने लगे ऊपर से, देवी कैसे यहाँ पे आप नहीं गई? बोले कहा, अरे तुम्हारे पिताजी के यहाँ पर यज्ञ हो रहा है। अब तो सीधी भोले बाबा के पास गई, बाबा आप तो कह रहे थे कि दुनियादारी के काम है, हमें क्या लेना देना, लेकिन हमारे पिताजी के यहाँ यज्ञ है, जाना चाहिए। तो शंकर जी ने कहा, देवी जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, कोई मनाही नहीं है, लेकिन जहां हमसे कोई विरोध मानता हो वहां नहीं जाना चाहिए। तो तर्क दे दिया, बोले गुरु जी के यहाँ पे, पिताजी के यहाँ पे, बेटी के यहाँ पे, मित्र के यहाँ पे बिना बताए चला जाना चाहिए। ये विरोध मानते हैं तो तब भी मित्र के यहाँ पे, बेटी के यहाँ पे, गुरु जी के यहाँ पे, संतों के यहाँ पे चले जाना चाहिए। लेकिन शंकर जी ने कहा, नहीं देवी, जो विरोध मानता है उसके यहाँ पे नहीं जाना चाहिए। तदपि विरोध मान जा कोई, 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 नहीं जाना चाहिए। अब भोलेनाथ ने खूब समझाया, नहीं मैं तो जाऊंगी, मैं नहीं मानूंगी। पति कहता है ना, देवी नहीं जाना चाहिए, ले नहीं हम तो जाएंगे। अब भोलेनाथ को लगा कि अब समय आ गया है, मैं तो जाऊंगी, मैं मायके चली जाऊंगी, तू देख तो रही हो, मैं तो जा रही हूँ। नेक सासू कछु कह दे, नेक पति कछु कह दे, मम्मी मेरे से इन्होंने ये कहा, अब वहां मम्मी को टेंशन हो गई, क्या कह दिया। अब मम्मी की भी बड़ी मुश्किल है, बेटे की ना सुने तो बोले जिस दिन से तुमने मेरा विवाह किया है मेरी तो सुध लेती नहीं हो। और सुनो एक सूत्र मैं आपको दे रहा हूं, हजारों केस ऐसे दिन में रोज आते हैं, रोज सासू माँ कहती हैं कि दामाद सुनते नहीं है, हमारा बेटा हमारी सुनता नहीं है। जो बेटी अपने पति के यहाँ पर रह करके अपने माता पिता के कांटेक्ट में ज्यादा रहेगी, यानी कि उनको ये भी पता चल जाए कि आज कौन सी सब्जी में कौन सा मसाला डला है, तो समझ लेना वो घर कभी चल नहीं सकता है। जो हर पल पल की खबर अपने माता पिता को देगी वो घर कभी चल ही नहीं सकता है। और ये आजकल बहुत ज्यादा हो रहा है, बहुत ज्यादा हो रहा है, तो इससे हम सभी को बचना चाहिए। भोलेनाथ कहते हैं कि देवी विरोध हो वहां नहीं जाना चाहिए, नहीं मानी और कहा कि ठीक है भैया, कुछ गण दिए साथ में और भेज दिया और कहा कि बोले इससे संबंधित जो वस्तु है यहाँ पर वो कैलाश पर रहनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि अब ये लौट करके नहीं आएगी, लौट करके नहीं आएगी। सती मैया गई वहां, पिताजी ने कोई सम्मान नहीं किया, देखे भी नहीं, देखा भी नहीं। दक्षिण पूछी कछु कुसलाता, सतही बिलोक जरे सब गाता, देख करके जल गया है, देखो इसको इसने यहाँ पे किसने बुलाया है। बहनों ने हंसी उड़ाई, लेकिन माँ ने पूछा, बेटी बहुत अच्छा हुआ तुम आ गई, बहुत अच्छा हुआ। और जैसे ही सती मैया यज्ञ मंडप में गई, सबका आसन देखा, ब्रह्मा का, विष्णु का, कुबेर का, इंद्र का, यम का, सभी का आसन देखा, लेकिन भोलेनाथ का आसन नहीं। और जैसे ही भोलेनाथ का आसन नहीं देखा, भोलेनाथ का आसन जैसे ही नहीं दिखा, आवेश में आ गई और अपने पिता को कहने लगी, अरे दक्ष तुझे गुमान हो गया है, तुझे क्या ब्रह्मा जी ने पदवी दे दी, तू अपने आप को बहुत बड़ा आदमी समझने लगा है,
अरे तू तो कुछ प्रजापतियों का ही राजा है, लेकिन मेरा पति कोई साधारण नहीं है। ये जितने भी बैठे हैं ये देव हैं, और मैं एक ऐसे पति की पत्नी हूं जो महादेव कहलाता है। इन देवताओं को एक एक दिन मिला है, एक एक दिन, लेकिन मेरे पति को पूरे 30 दिन मिले हैं, श्रावण का महीना मिला है। तूने पता नहीं क्यों उनका विरोध किया है, जा मैं वचन देती हूँ, मैं वचन देती हूँ कि अब न मैं अपने पत्नी पति के पास जाऊंगी और न अब इस शरीर को मैं रखूंगी। क्यों? क्योंकि अपने पति का अपमान सहने के बाद में अगर मैं लौट करके जाऊंगी तो लोग कहेंगे देखो अपने पति का अपमान करा करके आ गई। और दूसरी बात, अगर कोई मुझे तेरे नाम से पुकारेगा तो मैं वो शब्द सहन नहीं कर सकूंगी कि ये तो देखो दक्ष की बेटी है, और यह शब्द मुझे बड़ा चुभेगा और मैं इस शब्द को नहीं सुन सकती हूँ। उसी समय योगाग्नि को प्रकट करके अपने शरीर को वहीं पर जला दिया। और जैसे ही जलाया, नारद जी ने खबर दी शंकर भगवान को। शंकर भगवान आवेश में आ गए, वीरभद्र नामक एक गण को भेजा, जाओ यज्ञ को विध्वंस कर दो। तम किम करोमिति ग्रंतमाह मद्वांजलिम भगवान भूतनाथ दक्ष स यज्ञम जय मद भटानाम तुम अग्रगणी रुद्र भटा सको मे। वीरभद्र गणों को लेकर गए और जाकर के यज्ञ को विध्वंस कर दिया। जो जो हंसे थे उनके दांत तोड़ दिए, जो दाढ़ी पर हाथ फिरा करके भगवान भोलेनाथ का अपमान कर रहे थे उनकी दाढ़ी को खींच लिया, और जिस मुंह से दक्ष ने गाली भगवान को दी थी उस दक्ष के सर को काट करके यज्ञ मंडप में डाल दिया, स्वाहा कर दिया। दक्षाय स्वाहा। और जैसे ही दक्ष का स्वाहा किया अब तो सभी कांप गए, देवता भागने लगे, भागो भागो यहां से, भागो यहां से। और जैसे देवता लोग भागने लगे, सभी ने मीटिंग की, भैया ये दुनिया का पहला ऐसा यज्ञ है जो बिना पूर्ण आहुति के रह गया। बोले क्या करना चाहिए? बोले भोलेनाथ से प्रार्थना करनी चाहिए। भैया भोलेनाथ से प्रार्थना करने जाओगे? अरे जिसकी पत्नी मर गई हो अभी कुछ समय पहले, और तुम उसके यहाँ पे जाकर के बोलोगे भोलेनाथ चलो यज्ञ को पूरा करा दो, यज्ञ के कारण पत्नी जिसकी चली गई हो छोड़ करके हम नहीं जाएंगे। देवता लोग कांपने लगे, कहीं भोलेनाथ ने तीसरी दृष्टि खोल दी और हम भस्म हो गए। तो सीधे ब्रह्मा के पास गए, पितामह रक्षा करो। पितामह बोले तुम्हारी वैसे यही हालत होनी चाहिए, तुम इसी लायक हो। क्यों? क्योंकि जब तुम्हारे पास थोड़ी सी संपत्ति आती है तुम उन्मत्त हो जाते हो, सुरा और सुंदरी के चक्कर में भगवान को भूल जाते हो। तुम्हारे साथ यही होना चाहिए। अब भोलेनाथ ब्रह्मा जी से देवताओं ने कहा पितामह भूल हो गई, अब की बार हमें क्षमा करा दीजिए। बोले सुनो प्रार्थना करते हैं भोलेनाथ से, अगर बात बन गई तो ठीक है, नहीं भैया मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। अच्छा वास्तव में देखा जाए तो भोले बाबा वास्तव में भोले, इतने भोले हैं कि भस्मासुर ने आशीर्वाद मांगा, प्रभु जिसको चाहूं उसको भस्म कर दूं। बोले ठीक है। अब भोलेनाथ ने कहा आशीर्वाद दे दिया तो प्रैक्टिकल करने के लिए भोलेनाथ के ऊपर ही हाथ रखने को लुचा आगे बढ़ा, और जैसे भोलेनाथ के लिए बस करने के लिए प्रैक्टिकल करने के लिए हाथ बढ़ाया, भोलेनाथ ने सर पीछे कर लिया। भैया मेरी दी हुई दवाई को मेरे ऊपर ही क्यों अजमा रहा? अब तो भोलेनाथ आगे आगे, भस्मासुर पीछे पीछे। भोलेनाथ ने फोन किया विष्णु भगवान को, प्रभु पधारो या लूत से मुझे छुड़ाओ। सुंदर मोहिनी रूप धारण करके भगवान आ गए, और भगवान को जब देखा मोहिनी रूप में भस्मासुर ने मोहित हो गया। बोले ठीक है प्रैक्टिकल बाद में कर लेना, सुनो भस्मासुर। और भस्मासुर को जैसे ही रोका बोले तू पागल हो गया, अरे उन्होंने आशीर्वाद दिया है, वो शमशान में रहते हैं, भस्म का लेपन करते हैं, गणों के साथ में रहते हैं, भूतों के साथ में रहते हैं, तू उनकी बात पर भरोसा कर रहा है, फिर क्या करूं? बोले पहले अपने सर पर हाथ रख के देख। और जैसे ही भगवान नारायण ने मोहिनी रूप धारण करके उसको ये संदेश दिया, और जैसे सर पर हाथ रखा भस्मासुर भस्म हो गया। भगवान को कहने लगे, नारायण ने आकर के भगवान शंकर से कहा कि देखते नहीं हो कैसे कैसे लोगों को आशीर्वाद दे देते हो। अब भोलेनाथ बड़े भोले, महाराज इतने भोले हैं कि एक चोर चोरी करने निकला कि आज रात को चोरी करेंगे,
अब किसी के घर में डाका नहीं डालने जा सका तो देखा कि एक मंदिर है मोहल्ले का, शायद यहीं से कुछ मिल जाए। मंदिर में प्रवेश किया, सोचा नारायण की मूर्ति होगी तो कुछ आभूषण मिल जाएंगे, कन्हैया की मूर्ति होगी तो कुछ मिल जाएगा, लेकिन न वह कन्हैया नहीं न वह नारायण, वहां तो भोलेनाथ बैठे थे। अब भोलेनाथ के मंदिर में क्या मिलेगा? लोटा और बाल्टी और एक घंटा। अब जैसे गुजार लोटा बाल्टी रखे थे कोने में, बोले इनका क्या करूंगा ले जाकर। ऊपर की तरफ जैसे देखा तो पीतल का घंटा, बोलो पीतल बड़ी महंगी चल रही है, आज तो यही व्यवस्था बनानी पड़ेगी। और जैसे घंटा उतारने के लिए उसने ऊपर हाथ बढ़ाया, सो छोटा पड़ गया। और जैसे छोटा पड़ा देखा कोई स्टूल मिल जाए कुछ मिल जाए, तो कुछ नहीं था। सोचा कौन देख रहा है, भोलेनाथ के ऊपर ही पैर रख करके घंटा उतार लो। और जैसे ही भोलेनाथ के ऊपर पैर रखा, भोले बाबा प्रकट हो गए। और जैसे ही भोले बाबा प्रकट हुए, एक उजाला सा हुआ, तेज सा प्रकट हुआ, डर गया। और जैसे ही डरा, भोले बाबा हमें माफ कर दो, हमसे बड़ी भूल हो गई। भोले बाबा बड़े प्रसन्न, भैया तेरे से कोई भूल नहीं हुई है। भक्त बोला, चोर बोला, देखो मैं जिसके ऊपर चढ़ गया वो ये कह रहा है कि तुझसे कोई भूल नहीं हुई है। भोलेनाथ बोले, देख भैया, कोई फूल चढ़ावे, कोई पान चढ़ावे, कोई घी चढ़ाए, कोई दूध चढ़ाए, कोई दही चढ़ाए, लेकिन दुनिया में तू पहला ऐसा भक्त है कि तू आज स्वयं मुझ पर चढ़ गया। ए भैया, दुनिया दुनिया की वस्तुओं को मुझ पर चढ़ाती है, लेकिन तू आज स्वयं मेरे ऊपर चढ़ गया। तू मांग जो मांगना चाहता है। अब मांगता क्या, वो घंटे की तरफ नजर गई, बोले तुझे घंटा चाहिए, ले मैं ये घंटा दे रहा हूं। और जैसे ही घंटा दिया, और सुन, एक घंटा जादुई घंटा है, ले जा करके पूजा करना, और जो तू इससे मांगेगा तुझे वही मिलेगा। भोलेनाथ ने कहा कि तुझे वही मिलेगा, लेकिन शर्त है कि तुझे एक गुना मिलेगा, पड़ोसी को दुगुना मिलेगा। अब हड़बड़ाहट में घंटी को ले आया, आकर के नहाया धोया, धूपबत्ती पत्नी को साथ ले गया, चल चल देवी चल, देख घंटा लेकर के आया हूँ। बोले आज ऐसी क्या चीज लाए हो जो मुझे स्नान करा करके ले जा रहे हो। धूपबत्ती दिखाई, अगरबत्ती दिखाई, जैसे वो ओंकारा, बड़ी सुंदर आरती की महाराज। आरती करने के बाद बोला, हे घंटा महाराज, मेरो एक भरियासो घर बन जाए। और जैसे घर की कही, सुंदर हवेली बन करके तैयार हो गई बामन चौखट। जैसे ही बाहर निकल करके आया तो देखा सुंदर हवेली है, लेकिन साइड में देखा तो पड़ोसी की दो हवेली बन करके तैयार हो गई। पत्नी बोली, देखो हमारा ये और ये कहां से बन गया। बोले शंकर जी ने ये कहा था कि तुम्हें एक गुना मिलेगा और पड़ोसी को दो गुना मिलेगा। अब तो पत्नी टेंशन में आ गई, मेहनत हम करें फल पड़ोसी भोगे, वाह। पति ने कहा, तू चिंता काय को कर रही है, हम भी तो तेरे पति हैं, आगे आगे देख होता है क्या। अब जैसे ही अंदर गया, हे घंटा महाराज, एक गाड़ी की भी व्यवस्था हो जाए, अपने यहाँ एक गाड़ी और पड़ोसी के यहाँ पे। पत्नी टेंशन में चले जा रही है, हमारे यहाँ एक ही कार और पड़ोसी के यहाँ दो दो कार, बड़ी टेंशन। पत्नी बोली, हमें ऐसे घंटे की जरूरत नहीं है, हम जैसे थे वैसे ही ठीक हैं। पति बोला, सुन तो सही, आगे आगे देख। अंदर गया, हे घंटा महाराज, नौकर चाकरों की व्यवस्था हो जाए, पड़ोसी के यहाँ पे खूब नौकर आ गए। पत्नी पति से लड़ रही है, घंटा लौट आया, भगवान ने हमें कोई जरूरत ना ऐसे घंटा की, जो मिल गो बहुत है। पति बोला, सुन, आखिरी बार एक वस्तु और मांग रहा हूं, क्या? हे घंटा महाराज, मेरे घर के सामने खूब बड़ा कुआं बन जाए, खूब बड़ा कुआं बन जाए। अब जैसे घंटा महाराज से कहा, घर के सामने खूब बड़ा कुआं बन गया। जैसे अपने घर के सामने एक कुआं और पड़ोसी के घर के सामने दो कुआं। अंदर आया, अंदर आकर के बोला, हे घंटा महाराज, मेरी एक आंख छूट जाए। और पड़ोसी से आकर के बोला, पड़ोसी की दोनों आंखें फूट गई। और जैसे ही पड़ोसी की दोनों आंखें फूटी, पड़ोसी घर से बाहर निकला, कुएं में गोविंद आए नमो नमः। ऐसे बोले नाथ, कर्पूर गौरम करुणा अवतारम, संसार सारम भुजगेन्द्र हारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे,
भवम भवानी सहितम नमामि। कैसे भोलेनाथ कपूर की तरह गोरे हैं, कपूर जो होता है ना इतने गोरे हैं भोलेनाथ, और जब विस्पान किया तो कैसे हो गए, कंठ हो गया उनका नीला। आप सोचिए एकदम पूरा व्यक्ति गोरा हो और कंठ जिसका नीला हो, बड़ा कितना सुंदर लगेगा। सभी ने आकर के भगवान से प्रार्थना की, प्रभु उस यज्ञ को पूरा करा दो, ये दुनिया का पहला ऐसा यज्ञ है जो बिना पूर्ण आहुति के अधूरा रह गया और यजमान मारा गया। हर मुश्किल आसान करे मेरा भोला बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरा भोला बाबा, जन जन का कल्याण मेरा भोला बाबा, जन जन का कल्याण मेरे भोले बाबा। हर मुश्किल आसान करे मेरा भोला बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरा भोला बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा। ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, गाइए सभी। नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हरि ओम नमः शिवाय। हर मुश्किल आसान करे मेरा भोला बाबा, हर मुश्किल आसान करे मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरा भोला बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले दिखाए, भूले हुए को राह दिखाए, भूले हुए को राह दिखाए, भूले हुए को राह दिखाए, हाँ भूले हुए को राह दिखाए, भूले हुए को राह दिखाए, हाँ देवों को अमृत पिलवाए, देवों को अमृत पिलवाए, देवों को अमृत पिलवाए, देवों को अमृत पिलवाए, खुद विस्पावो पान करे मेरा भोला बाबा, खुद विस्पावन पान करे मेरा भोला बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरा भोला बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा। एक बार जो करे इशारा, एक बार जो करे इशारा, बदल के रख दे जीवन की धारा, बदल के रख दे जीवन की धारा, युग निर्माण करे हाँ नवयुग निर्म नवयुग का निर्माण करे मेरा भोला बाबा, नवयुग का निर्माण करे मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरा भोला बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरा भोला बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरा भोला बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरा भोला बाबा, जन जन का कल्याण करे मेरे भोले
जन का कल्याण करे मेरा भोला और जैसे ही करुण पुकार करी देवताओं ने भोलेनाथ प्रसन्न हो गए और जैसे ही प्रसन्न हुए गंगा तरंग रमणीय जटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रिय मनंग पदापहारम वाराणसी पुर पदिम भज विश्वनाथम। जैसे ही भोलेनाथ से प्रार्थना की भोलेनाथ प्रसन्न हुए और आकर के सुंदर उस यज्ञ को पूरा कराया और अजा बकरे का सर काट करके दक्ष के धड़ पर लगाया जीवित कर दिया जीवित कर दिया। ऐसे हमारे भोलेनाथ सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित यज्ञ पूरा हो गया यजमान जीवित हो गया लेकिन सती मैया चली गई। जय हो सती मैया चली गई। जैसे ही सती मैया गई भोलेनाथ ने सोचा कि चलो कोई बात नहीं जो भगवान जैसा करते हैं वैसा स्वीकार है। दूसरे जन्म में वही सती मैया पार्वती के रूप में आई फिर भोलेनाथ ने उन्हें अपने वामांग में विराजमान किया। बहुत सुंदर परीक्षित कथा को श्रवण कर रहे हैं परीक्षित। ये मनु सत्रोपा की तीन बेटियों का चरित्र आपने सुना अब बड़े बेटे का चरित्र मैं आपको सुना रहा हूं। बड़े बेटे प्रिय व्रतोत्तान पादौ सतरूपा पते सुतौ वसुदेवस्य कलया रक्षायां जगत स्थतौ। उत्तान पाद बड़ी सुंदर पत्नी है। विवाह हो गया उत्तान पाद का विवाह हुआ है सुनीति नाम की राजकुमारी के साथ और एक सुंदर पुत्र भी पैदा हुआ जिसका नाम है ध्रुव। एक दिन राजा आखेट के लिए गए उत्तनपाद जी एक दिन शिकार के लिए गए और जैसे शिकार के लिए गए तो वहां एक उन्हें सुंदर युवती दिखाई पड़ी। राजा मोहित हो गए देख करके बोले देवी तुम कौन हो। बोले मेरा नाम सुरुचि है। अच्छा देवी क्या आप मेरे से पाणि ग्रहण करेंगे मैं आपको पत्नी रूप में स्वीकार करना चाहता हूं। राजा राजकुमारी ने हां कर दी और गंधर्व विधि से उसका विवाह हुआ। पत्नी को साथ ले आया सुनीति ने सुना कि मेरी छोटी बहन आ रही है सुंदर थाल सजा करके स्वागत करने के लिए गई और जैसे ही सुरुचि दरवाजे पर आई सुनीति की तरफ देखा तो उसने पूछा ये कौन है। बोले ये मेरी बड़ी पत्नी है सुनीति। सुरुचि ने अपना पैर पीछे कर लिया। बोले मैं घर में प्रवेश तभी करूंगी जब सुनीति इस घर से बाहर निकल जाएगी। उत्तान पाद इतना कामांध हो रहा है उसने अपनी बड़ी पत्नी को घर से निकाल दिया छोटे से ध्रुव जी महाराज घर से लेकर के सुनीति को कहा कि तुम देवी मेरे घर से निकल जाओ महल से बाहर चली जाओ। और ये यथार्थ सत्य है हम सब बैठे हैं हम सब उत्तान पाद ही हैं और कोई नहीं उत्तान पाद। हम सबके दो पत्नियां हैं एक सुनीति एक सुरुचि। सुनीति कौन है जो सुंदर नीति बुद्धि कहती है ना कि कभी किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए लेकिन फिर भी अपने स्वार्थ के लिए हम किसी का मन दिल दुखा देते हैं। सुनीति हमें अपनी तरफ खींचती है सुरुचि हमें अपनी तरफ लेकिन हम सुनीति की बातों पर कम ध्यान देते हैं सुरुचि की बातों यानी अपनी रुचि की बातों पर ज्यादा ध्यान देते हैं। भोजन अपनी रुचि का है वस्त्र अपनी रुचि के सोना खाना अपनी रुचि का लेकिन भजन भी अपनी रुचि का।
सुरुचि को, सुरुचि के आने से सुनीति घर छोड़ करके चली जाती है। और जब छोड़ करके घर चली जाती है छोटे से राजकुमार को साथ लेकर के, जहां पर संत महंत रहते हैं वहीं उन्हीं के आश्रम में झोंपड़ी बना करके रहती है और बच्चे को सुंदर संस्कार देती जा रही है। बेटा कभी किसी के साथ ऐसा मत करना, सुंदर शिक्षा देख करके बच्चे को सुंदर संस्कारी बना रही है। और आजकल के बच्चे, इसको बच्चे को सीधा बैठा, आजकल के बच्चे पैदा होते ही महाराज जितना बड़ा बच्चा नहीं होता उससे बड़ा उसके हाथ में फोन दे दिया जाता है। हम जाते हैं घरों में देखते हैं कि बच्चा ना माँ से चुप होता है, ना बाप से चुप होता है, ना दादी से, ना दादा से, बस फोन दे दो फोन से चुप हो जाता है। और जो बच्चा फोन से चुप हो रहा है, जड़ वस्तु से चुप हो रहा है, तो आप जान सकते हैं कि आगे जाकर के वो क्या करेगा। ये जो पीछे बच्चे बात कर रहे हैं, कृपया अब चले जाएं भैया, इनकी मम्मी बड़ी आराम से कथा सुन रही है, बोले थोड़ी देर सुनने को मौको मिल रहा है, इन्हें खेलने दो। बच्चों को भी अपने पास बिठाया करो, जैसे जो माता पिता करते हैं बच्चे वही करते हैं। अब लेकिन ये क्यों, इनको पता है घर में राधे राधे हैं, मम्मी पापा की नहीं सुनती, पापा मम्मी की नहीं सुनते, तो हम इनकी क्यों सुने। जाए उत्तान पादस्य सुनीति सुरचिस्तयो सुरुचि प्रेयसी पत्न्युर नेतराम यत्सुतो ध्रुव। माँ बालक को चाहे तो बहुत कुछ बना सकती है। छोटा सा बालक माँ के हाथ में होता है, जैसे हम किसी वृक्ष का सींचन करते हैं, लगाते हैं, जैसे माली एक वृक्ष को धीरे धीरे करके बड़ा करता है। कोई टहनी निकल आती है अच्छी नहीं लगती तो उसको काट देता है, काट छाट करके सीधा करता चला जाता है। माँ भी वैसे ही अपने बच्चे को समय समय पर शिक्षा दे तो बच्चा संस्कारी हो जाता है, बच्चा संस्कारी हो जाता है। समय समय पर सुनीति समझाती है, लेकिन सुनीति बच्चे को इतना सुंदर संस्कारित बना दिया। और जो सुरुचि का एक पुत्र हुआ जिसका नाम है उत्तम, एक संत बड़ा सुंदर भाव कहते हैं, भैया देख सुनीति का जो पुत्र है ध्रुव वो अटल रहने वाला है, और जो सुरुचि का पुत्र है जिसका नाम है उत्तम, देखो हम कोई अपनी मर्जी से काम करेंगे उसका जो फल हमें मिलेगा वो थोड़ी देर के लिए अच्छा लग सकता है, लेकिन ध्रुव जी की तरह टिकाऊ नहीं है। बोलो राधे राधे। ध्रुव जी की तरह टिकाऊ नहीं है, थोड़ी देर के लिए उत्तम है वो, थोड़ी देर के लिए मन के लिए अच्छा है, लेकिन उसका जो अंतिम परिणाम है वो बहुत बुरा होता है। एक दिन ध्रुव जी महाराज के मन में बात पैदा प्रकट हुई, माँ ये बता के मेरा बाप कौन है। ये जो संतों के बालक हैं, महंतों के बच्चे हैं, ये पूछते हैं कि देखो तेरे पिता का नाम क्या है, तेरी माँ यहाँ पर रहती है, तो मेरी मेरे पिता का नाम बता, मेरे पिता का नाम क्या है। बोले मेरा पिता का नाम है, तेरे पिता का नाम है उत्तानपाद, और सुन बेटा वो इस राज्य के राजा हैं, यहाँ के सम्राट हैं। फिर माँ तू यहाँ कैसे, हमें तो राजमहलों में रहना चाहिए। तब माँ कहती है बेटा समय पड़े नर क्या करे, समय समय की बात, किसी समय के दिन बड़े और किसी समय की रात, किसी समय की रात। बेटा समय समय की बात है बस। तो माँ मेरा अपने पिताजी के दर्शन करने का बड़ा मन हो रहा है, मैं जाना चाहता हूँ। माँ ने सुंदर श्रृंगार करके बेटे को भेज दिया, और जैसे बेटे को भेजा प्रणाम किया, ध्रुव जी ने जाकर के पिताजी मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ और मैं आपकी बड़ी पत्नी का पुत्र ध्रुव हूँ। जैसे ही बड़े पुत्र को देखा ममता उमड़ आई और उठा करके ध्रुव जी को गोदी में बिठाना चाहते थे, ध्रुव जी गोदी में बैठना चाहते थे। सुरुचि ने देखा, टोक दिया पति को, खबरदार जो इसको गोदी में बिठाया तो,
और जैसे ही डांटा उत्तान पाद ने गोदी से उतार दिया। ध्रुव जी महाराज प्यासी सी निगाहों से पिता की तरफ देखने लगे। शायद एक बार माने चलो जैसा कहा कोई बात नहीं, लेकिन ये तो मेरे पिता हैं और पूरा अधिकार है, ये मुझे शायद गोदी में बैठा लें। सुरुचि बाहर निकल करके आई और ध्रुव के हाथ को पकड़ करके कहने लगी, सुन तू इस गद्दी में बैठना चाहता है? बोले हाँ, ये मेरे पिताजी की गोद है और हर बेटे का अधिकार होता है अपने पिता की गोद में बैठने का, इसमें कौन सी बड़ी बात है? बोले अगर तू इस गोदी में बैठना चाहता है तो एक काम कर, तपसाराध्य पुरुषम तस्यैवानुग्रहेण मे गर्वे त्वं साधयात्मानम् यदि क्षसि नृपासनम्। पहले भगवान का भजन कर, जंगल में जाकर के तपस्या कर और भगवान प्रकट हो जाएं तो उनसे कहना अब की बार सुनीति के गर्व से नहीं, मुझे सुरुचि के गर्व से जन्म मिले, और जब मेरे गर्व से तुझे जन्म मिलेगा तब इस गद्दी का अधिकारी हो सकता है। परीक्षित उस मंदबुद्धि ने ये नहीं सोचा कि उसने एक भक्त का नहीं अब तो भगवान का भी अपमान कर दिया। वो कह रही है कि तू पहले तपस्या कर, भगवान को प्राप्त कर। अरे भैया, भगवान को प्राप्त करने के बाद क्या कभी गर्व में आया जाता है? आज उसने भगवान को भी छोटा कर दिया। और सुन, तुझे गोदी बैठना है तो तुझे यहाँ से जा, पहले तपस्या कर। सीधा आया, माँ से बोला, माँ मेरी छोटी माँ ने मुझसे ये कहा है। सुनीति ने कहा, बेटा तेरी माँ ने बिल्कुल सही कहा है कि जा पहले तू तपस्या कर। माँ तुम भी उसकी तरफदारी कर रही हो, मैं छोटा सा बालक कैसे? बोले नहीं भैया, तू छोटा कहाँ है, छोटा कहते किसे हैं? अरे तू तो खूब बड़ा है भैया, एक राजा का बेटा है और जंगल जाने में डर रहा है, जंगल जाने में डर रहा है भैया, तू जा। माँ मैं जाऊं? तू सही कह रही है। बोले हाँ तू जा। और उस माँ ने अपने हृदय पर पत्थर रख करके अपने पुत्र को विदा कर दिया कि बेटा जा, तू भगवान का भजन कर। ऐसी कौन सी माँ होगी जो 5 वर्ष के अपने बेटे को जंगल में भेज देगी? जा, आजकल की मम्मियां तो घर से बाहर भी नहीं जाने देती 5 वर्ष के बच्चे को, बोले यही रहो। और वो सुनीति कहती है कि बेटा तू जंगल जाकर के भगवान की तपस्या कर। और वो माँ वास्तव में ही माँ कहलाने योग्य है। पुत्रवती जो बती जग सोई, पुत्रवती जो बती जग सोई, पुत्रवती जो बती जग सोई, रघुपति भगतो जासु सोत रघुपति भगत जासु सोत होई। तुलसीदास जी कहते हैं, पुत्रवती जुवती सगजोई जग सोई, वो माँ तभी माँ कहलाने योग्य है जिसका पुत्र भगवान का भक्त हो। रघुपति भगत जासु सुत होई, वो माँ बड़ी भाग्यशाली है जो पुत्र रोज भगवान के लिए कुछ न कुछ नया कार्य करता। न तरु बाज भले बाद बयानी, राम विमुख सुत ते हित जानी। नहीं तो बाज ही अच्छी है जिसका पुत्र भगवान का भक्त नहीं है, वो तो बिना पुत्र के ठीक है। जननी जने तो भक्त जन के दाता के सूर, नहीं तो अच्छी बाज रहे क्यों व्यर्थ गवावे नूर। इससे अच्छा है कि बाज रहे जिसका पुत्र भगवान का भक्त नहीं है। सीधी सी बात है, अपने बच्चों को भगवान का भक्त। और देखो सनातन धर्म की जिम्मेदारी इन्हीं के ऊपर है, छोटे छोटे बच्चों इनको समझाइए, इनके अंदर ऐसे संस्कार डालो
आजकल हम लोग तरह तरह के स्कूलों में इनका एडमिशन करा रहे हैं। हमें केवल ऐसी शिक्षा चाहिए जो हमारा पेट भर सके। माना कि आप उस रास्ते पर जा रहे हो, सही है, लेकिन अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दो कि भैया धर्म की रक्षा करने के लिए भले ही सर कट जाए तो कटवा देना, लेकिन धर्म का हिरास मत होने देना। अपने बच्चों को ऐसी सुंदर शिक्षा दो। तरह तरह के ग्रुप बन करके घूम रहे हैं, सनातनियों को अन्य मजहबों में कन्वर्ट कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, मतलब खेल हो गया है आज वो धर्म परिवर्तन करके। महाराज परिवर्तन क्या एक बार जन्म लेकर के माता पिता को बदला जा सकता है? कभी नहीं बदला जा सकता। और हम लोग धर्म परिवर्तन ऐसे कर देते हैं जैसे कुर्ता उतारा, टांगा, दूसरा पहन लिया। नहीं, हम शुरू से ही सनातनी हैं, शुरू से सनातनी थे, हैं और रहेंगे। लेकिन कुछ लोगों ने राजनीति के चक्कर में हमारे धर्म, देखो सबसे बड़ी विशेष बात है, पहले जमाने में जो राजनीति हुआ करती थी वो धर्म के द्वारा हुआ करती थी कि भाई इसके साथ गलत नहीं होना चाहिए। और अब जो राजनीति हो रही है वो राजनीति में धर्म आकर के रह गया है। आप देखते हैं, रोज देखो टीवी पे डिबेट होती है, श्री राम बोलेगा तभी हिंदू कहलाएगा या नहीं बोलेगा तो ये श्री राम को ऐसे उछाल दिया, पता नहीं कोई टाइटल हो गया हो कलर के ऊपर। जिस देश में राजनीति होती हो वो देश कभी आगे बढ़ ही नहीं सकता है। अच्छी अच्छी टेक्नोलॉजी मिल जाने से कोई देश आगे नहीं। प्रभु अगर मैं मंत्र दे करके जाऊं और आप तत्काल प्रकट होकर के दर्शन दे दो तो फिर कोई साधना नहीं करना चाहेगा, फिर तो हाँ एक ही बात रह जाएगी, गुरु डोल रहे गलिन में हमसे दीक्षा ले स्वर्ग पर हो चाहे नरक में और हमें दक्षिणा, ऐसी व्यवस्था नहीं। रोजी सुंदर मंत्र उसको दिया, छह महीने तक सुंदर ध्रुव जी महाराज ने तपस्या की सुंदर। पहले महीने में अन्न जल ग्रहण करते हैं, दूसरा महीना आया अन्न छोड़ दिया केवल जल, तीसरा महीना आया जल छोड़ दिया केवल सूखे पत्ते रहकर खा करके, चौथा महीना आया सूखे पत्ते छोड़ दिए केवल जल पी करके रहते हैं, पांचवा महीना आया श्वास बंद करके भजन करते हैं, छठवें महीने में भगवान ने दर्शन दे दिए। संत ने बहुत सुंदर तर्क दिया, देखो भैया ध्रुव जी महाराज भजन की ओर बढ़ रहे हैं और भोजन कम होते जा रहे हैं, और हम लोग भोजन की तरफ बढ़ रहे हैं और भजन कम होता जा रहा है। एक एकादशी आए महाराज 15 दिन में, उस एकादशी में भी पूरी व्यवस्था बना करके रखते हैं, वहां पर भोजन कम हो रहा है भजन बढ़ रहा है, और हमारे यहाँ पर भोजन बढ़ रहा है और भजन कम हो रहा है। सुंदर छठवां महीना लगा, इंद्र का इंद्रासन हिल गया। इंद्र ने कहा प्रभु दर्शन जा करके तो, और आज भगवान हरि रूप में आकर के भगवान ने भक्त को दर्शन दिए। ध्रुव जी महाराज की आंखें बंद हैं, ध्रुव जी महाराज की आंखें बंद हैं। जिस छवि का ध्रुव जी महाराज हृदय में पान कर रहे हैं, रसा पान रूपामृत का पान कर रहे हैं, वही छवि भगवान के सामने प्रकट होकर के खड़ी है। ध्रुव जी महाराज को आवाज कि भैया आंखें खोल, नहीं खोली। ध्रुव जी आंखें खोलो, लेकिन भजन में इतने रहते हैं कि भगवान पुकार रहे हैं लेकिन ध्रुव जी की कान बंद है, ध्रुव जी के कान बंद। तभी अचानक क्या हुआ, बोले ये ऐसे नहीं आंखें खोलेगा, फिर बोले इसके हृदय में जो छवि है ना, जो दर्शन जिसका रूपामृत का ये पान कर रहा है, उस छवि को अंतर ध्यान कर देता हूं। और जैसे ही उस छवि को हृदय के अंदर से अंतर ध्यान किया, ध्रुव जी झटपट आ गए। और जैसे ही ध्रुव जी झटपट आए एकदम आंखें खोली, और जैसे ही आंखें खोली सामने ठाकुर जी को देखा,
बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय। और देखो वहां ध्रुव जी महाराज भगवान से मिल रहे हैं और यहां भी ध्रुव जी महाराज ठाकुर जी से मिलेंगे। आप सभी शांति बना करके 10 मिनट के लिए बैठे, उसके बाद आरती प्रसाद लेकर के जाएं। और जैसे ध्रुव जी महाराज ने भगवान को देखा, भगवान ने ध्रुव जी को देखा, दोनों शांत हैं, कोई एक दूसरे से बातें नहीं कर रहा है। और जैसे ही भगवान मुस्कुराए, भगवान को देख करके ध्रुव जी भी मुस्कुराने लगे। और जैसे ध्रुव जी मुस्कुराए, एक संत ने बड़ा भाव दिया, भैया जहाँ भक्त और भगवान मुस्कुरा रहे हों वहां ये प्रकृति कैसे रह सकती है। जो पुष्प खिल रहे थे वो टूट टूट करके भगवान और भक्त के ऊपर दोनों का सम्मान करने लगे। मंदिर के अंदर जिन्हें हमने देखा, मंदिर के अंदर जिन्हें हमने देखा, उन्हें मन के अंदर बिठा करके देखो, उन्हें मन के अंदर बिठा करके देखो। मंदिर के अंदर जिन्हें हमने देखा, मंदिर के अंदर जिन्हें हमें देखा, उन्हें मन के अंदर बिठा करके देखो, उन्हें मन के अंदर देखो। दुनिया को अपना बना करके देखा, दुनिया को अपना बना करके देखा, दुनिया को अपना बना करके देखा। बात मुझे बताओ, एक बात बताओ कि दुनिया को अपना बना करके रखना चाहते हो या भगवान को? हाँ जी, जो दुनिया को अपना बना करके रखना चाहते हैं वो हाथ खड़ा करें। जो दुनिया को अपना बना करके और जो भगवान को अपना बना करके रखना चाहते हैं वो दोनों हाथ खड़े करें। और दोनों हाथों को ऐसे खड़े नहीं करना है, ताली सेवा भी करनी है। मंदिर के अंदर जिन्हें हमने देखा, गाइए सभी।
करना चाहते हैं एक एक करके पूजन करें और अपने स्थान पर बैठते चलें। अबध में धनुष बाण धारे हुए हैं, अबध में धनुष बाण धारे हुए वही वृंदावन में बंसी बजाते, वही वृंदावन में बंसी बजाते, अरे वही राम रघुवर वही श्याम सुंदर, वही राम रघुवर वही श्याम सुंदर, उन्हें प्रेम से बुला करके देखो, उन्हें प्रेम प्रेम से तो बुला करके देखो, उन्हें प्रेम से बुला कर हो।